से पहले मुंबई में होगा ह्यूज फैन इवेंट। अतरंगी रे के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो में पहुंचेंगे अक्षय सारा और करण जौहर ने कोरोना पार्टी वाले इल्जाम पर क्या कहा, इन सभी पर बात करेंगे आज। नमस्ते, मेरा नाम है गरिमा बुधानी और चलिए फटाफट बताते हैं सिनेमा से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। टॉम हॉलैंड की फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम कल थिएटर्स में रिलीज हो रही है। रिलीज से पहले मुंबई में फिल्म का फैन इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के इस इवेंट में एक साथ बड़ी संख्या में फैंस स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में इकट्ठे होंगे। यूनिवर्सल पिक्चर्स की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 10 की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। Variety.com के मुताबिक ये फिल्म पहले 7 अप्रैल 2023 को रिलीज होने वाली थी, मगर अब इसे 19 मई 2023 को रिलीज किया जाएगा। हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म अवतार के सीक्वल पर दशकों से काम चल रहा है। डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने रिसेंटली फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। फोटोज देखकर कहा जा सकता है कि इस सीक्वल में अंडरवाटर सीन्स को दिखाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अवतार 2 को 16 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधेश्याम के गाने ऊर्जा परिंदे का टीजर रिलीज हो गया है। कुछ ही घंटों पहले आए इसके टीजर को यूट्यूब पर अब तक 16 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। फुल सॉन्ग 16 दिसंबर को रिलीज होगा। हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही सतराम रमानी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म डबल एक्सल में नजर आएंगी। बॉडी शेमिंग और मोटापे को लेकर दकियानूसी सोच पर बनी इस फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो कल रिलीज किया गया। मूवी अगले साल रिलीज की जा सकती है। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने कल विक्की जैन से शादी कर ली। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। शादी से पहले अंकिता ने कॉकटेल पार्टी रखी थी जिसमें कंगना रनौत भी पहुंची थी। बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रही अली अवराम जल्द ही टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत में दिखाई देने वाली है। अली मूवी में सेकेंड लीड एक्ट्रेस होंगी। मुंबई के एक 5-स्टार होटल में एपी ढिल्लों का म्यूजिक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था जिसमें सारा अली खान, जानवी कपूर और इब्राहिम अली खान भी पहुंचे थे। रिपोर्ट्स है कि इस इवेंट के खिलाफ मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की है। आरोप है कि इस इवेंट में कोविड नॉर्म्स को तोड़ा गया था। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी यानी IIFA ने अपने 22वें एडिशन की अनाउंसमेंट कर दी है। इस बार ये अवार्ड शो 18 से 19 मार्च 2022 को अबू धाबी में होना है। इस बार का अवार्ड शो सलमान खान होस्ट करेंगे। फिल्म मेकर प्रकाश झा जल्द ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की बायोपिक बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम होगा हाफ लायन, जो विनय सीतापति की किताब हाफ लायन पर बेस्ड होगी। ये एक पैन इंडिया फिल्म होगी जिसे हिंदी, तेलुगु और तमिल में बनाया जाएगा। साउथ स्टार चिरंजीवी जल्द ही वेंकी कुटुमुला की फिल्म में नजर आने वाले हैं। इसकी अनाउंसमेंट वेंकी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर की। इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे DVV दनाया, जिन्होंने राजामौली की फिल्म RRR को प्रोड्यूस किया है। फिलहाल इस नई फिल्म को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बीते दिनों करण जौहर चर्चा में थे। कहा जा रहा था कि करण ने अपने घर पर पार्टी रखी थी जिसके बाद करीना कपूर खान, अमृता अरोड़ा, महीप कपूर और सीमा खान कोरोना की चपेट में आ गए। अब इस मुद्दे पर करण ने बयान दिया है। इंस्टा पर लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए करण ने बताया कि उनकी और उनके घर वालों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है और घर पर सिर्फ 8 लोगों को बुलाना कोई पार्टी नहीं होती। करण ने लिखा कि उनके घर पर सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए थे, उनका घर कोरोना का हॉटस्पॉट नहीं है। जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक का टीजर आज रिलीज हो गया है जिसे उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया। 28 जनवरी को रिलीज होने वाली इस पिक्चर में जॉन के साथ जैकलीन और रकुल प्रीत सिंह भी दिखाई देंगी। न्यूलीवेड कपल विकी कौशल और कटरीना कैफ शादी के बाद पहली बार साथ साथ नजर आए। दोनों सवाई माधोपुर से मुंबई पहुंचे जहां एयरपोर्ट पर उन्हें स्पॉट किया गया। पेपराज़ीज का कटरीना को भाभी जी बुलाने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मिस यूनिवर्स बनी हरनाज संधु पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अब उन्होंने बताया कि वो हिंदी सिनेमा के साथ साथ हॉलीवुड में भी काम करना चाहती हैं। संधु का कहना है कि वो सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़कर बिग स्क्रीन पर अपना टैलेंट दिखाना चाहती हैं, अपनी की हुई फिल्मों से लोगों को इंस्पायर करना चाहती हैं। एक्टर और खतरों के खिलाड़ी 11 के विनर अर्जुन बिजलानी जल्द ही इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर दिखाई देंगे। अर्जुन इसके नए सीजन को होस्ट करेंगे। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अर्जुन ने सेट से कुछ फोटोज शेयर की हैं। मिर्जापुर और दिल्ली क्राइम जैसी वेब सीरीज में दिखने वाली एक्ट्रेस रसिका दुग्गल जल्द ही वॉलीबॉल कोच के रोल में नजर आ सकती हैं। खबर है कि वो स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज स्पाइक में दिखाई देंगी। इस सीरीज के लिए रसिका ने 3 महीनों तक वॉलीबॉल की ट्रेनिंग ली है। शो की शूटिंग का पहला स्केड्यूल हिमाचल में पूरा हो चुका है।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्टर दिलीप जोशी ने अपनी बेटी नियति जोशी की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, जिसमें वो पूरी फैमिली के साथ नजर आ रहे हैं। दिलीप ने बेटी के लिए एक इमोशनल पोस्ट भी किया है, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुष जल्द ही फिल्म अतरंगी रे में नजर आने वाले हैं। इसी के प्रमोशन के लिए अक्षय, सारा और डायरेक्टर आनंद एल राय कपिल के शो पर पहुंचे थे, जिसके सेट से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की गई हैं। ये एपिसोड इस वीकेंड टेलीकास्ट किया जाएगा। तो बस ये थी आज की बड़ी खबरें। अब मिलेंगे कल सिनेमा शो के नए एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।